अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फैंसी बर्ड स्पीक है में। तो दोस्तों कैसे हैं आप तमाम दोस्त? उम्मीद है आप तमाम ठीक होंगे, हैरियत से होंगे, आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों ये एक जोड़ा है मेरा, आप से पहले मैं शेयर कर चुका हूँ। यहाँ पे एक पट्ठा जो है ना वो मरा था, इसके दो पट्ठे निकले थे दोस्तों और काफ़ी बड़े पट्ठे हो गए थे और ख़ुद से तकरीबन खाने पीने वाले थे। कुछ दिनों की बात थी वो उन्होंने खाना पीना शुरू कर देना था, लेकिन इन्होंने बड़ा जुल्म किया है भाई, इन्होंने फीड करवानी छोड़ दी है इस जोड़े ने। ठीक है, बड़ा काम ख़राब किया है, पता नहीं इनको क्या हो जाता है। बस इनको चेक करते जाएं, इनके साथ थोड़ा बहुत जो है ना वो चेक करें इनको, या इनका डब्बा देख लें, तो भाई इनको ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, तो ये भाई ना खाना पीना करवाते हैं चूँको, और ना जनाब ये बॉक्स में जाते हैं। अगर बॉक्स उतरा हो तो भाई वो बिल्कुल ही उनका कोई हाल नहीं है। तो ये क्या करें, बस ये कॉकटेल का मसला ही यही है, नेचर ही यही है। तो हम भी क्या करें, हमारी भी ये क्या कह सकते हैं, गलती तो नहीं कह सकते, क्योंकि हमने चेक करना होता है भाई। चेक करेंगे तो पता चलेगा कि इसमें बच्चे हैं, अंडे हैं, इसको किस तरह की फीड चाहिए, क्या करना है क्या नहीं। तो चेक करने का भी भाई हमें हमियाजा भुगतना पड़ता है। बाकी ये चीज़ आपके सामने है, कमाल की चीज़ें हैं, ठीक है जी, ज़बरदस्त और बेहतरीन। लेकिन आगे क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इससे पहले भी मैं एक यहाँ से पीस निकाल चुका हूँ और अब भी इन्हीं का दूसरा बच्चा है जो ये पड़ा हुआ है भाई। और ये देख लें दोस्तों कितना सेहतमंद और बड़ा परिंदा था, लेकिन इन्होंने खाना पीना इसका समझे छुड़वा दिया था और जिसकी वजह से ये एक्सपायर हो गया। और दूसरे नंबर पे थोड़ा सा हमारा मेरा मसला ये है कि यार मैं दूसरों की बात नहीं करता, हो सकता है दोस्त जो है ना वो इस चीज़ का करते हों, लेकिन मेरा मसला ये है कि मैं जो है ना हैंड फीड नहीं करवा रहा परिंदों को। और ये मेरी थोड़ी सी सुस्ती समझ लें, क्योंकि मैं खुद से कोशिश कर रहा हूँ कुछ दिन, काफ़ी देर से मैं सोच रहा हूँ, तकरीबन एक साल पहले से जब इसी तरह बच्चे एक्सपायर होते थे कॉकटेल के, तो मैं सोचता था कि यार जो है ना हैंड फीड मेरे पास होनी चाहिए, ताकि कोई बच्चा जो है ना अगर कोई नरमादी उसको फीड नहीं करवा रहा तो भाई उसको थोड़ा सा कोशिश करें, उसको तो एक टाइम की फ़ीड बंदा दे दे, चलें वो सर्वाइव तो करता रहे। ठीक है, तो सर्वाइव करता रहेगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खुद से खाना पीना भी शुरू कर देगा। लेकिन ये मेरी सुस्ती समझे कि मैंने ये नहीं किया और इसका हमियाजा अभी तक मैं भुगत रहा हूँ। ठीक है जी, और ये मेरे जो है कॉकटेल के पट्ठे हैं वो उस दिन से मरने के बाद तक अभी तक जो है ना वो यही सिलसिला जारी है कि वो मेरे पास सर्वाइव नहीं करते। अगर वालदैन उनको सर्वाइव करवा दें, उनको खाना पीना सही दें, तो वो बचे रहते हैं और आगे बड़े हो जाते हैं, नहीं तो फिर भाई अगर वो खाना पीना छुड़वा दें तो बच्चा आपसे मैंने शेयर किया छोटा सा, तो यानी कि वो काफ़ी बड़ा बच्चा है, परशर आ गए हैं उसके, लेकिन तब भी वो एक्सपायर हो गया। ये हाल होता है अगर ये खाना पीना उनको ना दें तो थोड़ा सा अगर ये इसमें कोशिश करें तो इसको हल्की फुल्की एक टाइम की फीड बंदा इसको डाल दे या खलवा दे, तो ये इसका हमें फ़ायदा हो सकता है कि ये बेहतर हो सकता है, मामला बच जाते हैं। तो बाकी भाई ये हमारी सुस्ती है, हम लोग जो है ना फीड एंड फीड पे थोड़ा बहुत बच्चों को दो चार बच्चे पांच बच्चे, क्योंकि हमारे पास कौन सा इतना बड़ा जनाब 50-60 पेयर्स का जो सेटअप है जी, हमसे संभाला नहीं जा रहा है ये वो, तो पूरा सा सेटअप है। तो इसमें मैं तो कहता हूँ कि मुझे भी करना चाहिए और आप भी जो लोग इतना सा सेटअप लगा के बैठे हैं, जिनके पास 10-12 पेयर हैं, 15-20 पेयर हैं, वो तकरीबन मेरा हल ये काम हो ही जाता है। थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन फिर भी बंदा कोशिश करे तो हो जाता है। तो मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा और इनको हैंड फीड पे भी लेने की कोशिश करूँगा। छोटे बच्चे जो पता चल जाए कि यार ये इसको फीड नहीं करवा रहे, वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है बच्चा, पता चल जाता है, बंदा जो रखता है परिंदे उसको समझ आ जाती है, तो वो थोड़ा सा हैंड फीड पर उसे एक टाइम भी उसको फीड करवा दे, तो मेरे ख्याल में सेकेंड टाइम अगर 2-3 दिन वो इसी तरह ही फीड पे रहे तो मेरे ख्याल में वो जो नरमादी बड़े नरमादी हैं वो उनको खिलवाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि यार ये खा पी रहा है और थोड़ा बहुत जो है ना ये सर्वाइव कर रहा है, तो फिर उसके माँ बाप भी उसको खाना पीना शुरू करवा देते हैं, मेरे ख्याल में तो यही है। तो बाकी वल्लाहु आलम क्या मामला है। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी वीडियो थी, छोटा सा व्लॉग था, एक पीस एक्सपायर हुआ था ये वाला, तो मैंने सोचा कि छोटी सी वीडियो बना दूं।
क्योंकि ये कुछ दिन पहले मैंने एक इसी का एक बहन या भाई था जो एक्सपायर हुआ था, तो उसके बाद ये थोड़ा सा उधर खा पी रहा था, मैंने सोचा कि बच जाएगा, लेकिन नहीं बचा भाई। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो का यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।